लिमिटेशंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में स्टार्ट करता हूं। ये 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके पॉइंट्स एग्जाम में लिखने हैं 5, एक एक करके मैं बताता हूं। नंबर 1, अनरियलिस्टिक एजम्पशंस। एजम्पशंस का एक लिस्ट में बताओ तो होमोजेनिटी प्रोडक्ट एकदम सेम टू सेम चाहिए, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल अनरियलिस्टिक हो जाता है, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी वन आफ्टर द अनदर भी थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है। उसके बाद आदमी का टेस्ट बदलना नहीं चाहिए, वो भी कभी कभार बदलता है, वो भी थोड़ा अनरियलिस्टिक हो जाता है। फिर तुम गिन सकते हो यूटिलिटी को, वो भी लागू नहीं होता। प्राइसेस तो अनस्टेबल रहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी सेम रहेगा, जबकि मैंने बताया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बदलते रहता है। तुम जैसे अमीर होते जाते हो तो कम होते जाता है छोटे से पैसों की वैल्यू। तो ये पहला लिमिटेशन है कि कुछ एजम्पशन अनरियलिस्टिक है, ठीक है ना। कुछ रियलिस्ट मान सकते हैं, आदमी रैशनल की वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कॉन्स्टेंट रहेगा, वो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा साल का पगार यदि 1 करोड़ रुपए है, तो तुम 5 रुपए 10 रुपए के लिए फैट ले भाई, 50 रुपए ले खत्म, ऐसा हो जाएगा। लेकिन तुम 5,000 10,000 कमाते हो तो 5-10 रुपए की भी अहमियत रहेगी। तो अमीर बनोगे तो पैसों की मार्जिन यूटिलिटी अपनी कम रहेगी। दूसरा कार्डिनल मेजरमेंट। अब प्रॉब्लम ऐसा है, कार्डिनल मेजरमेंट तुम एज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। तुमने एक बर्गर खाया, उस बर्गर में पेट भरने की क्षमता 8, ठीक है, फिर 6, 4, ये तुम कैसे गिन सकते हो। अच्छा मैं तुमको बोलता हूँ, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुमने बर्गर खाया, तो तुम बोलोगे यार सिर्फ 2। तुम्हारा पेट एकदम खाली है, बर्गर खाया, तो तुम 8 बोलोगे। तो ये जो कार्डिनल मेजरमेंट है, ये भी दिन के कौन से समय खा रहे हो। सवेरे नाश्ते में 6 बजे उठे बर्गर थोड़ी चले, कुछ लोग तो वो भी खा जाओ, ठीक है ना। तो कार्डिनल मेजरमेंट हर चीज का पॉसिबल नहीं है करना, खाली पेट भरा हुआ पेट, और कुछ लोग को समझे नहीं कैसे मेजर करो, खा तो गया कुछ समझा ही नहीं। तीसरा इंडिविजिबल गुड्स। अभी टीवी फ्रिज एसी को कैसे तुम डिवाइड करोगे। एक घर में हो सकता है 2-3 टीवी रहे, फ्रिज कितना रहेगा एक घर में। आज किसी का बाहर रहा घर पे, तो छोटा सा एक और फ्रिज दो, 4-5 तो नहीं कर सकते, तो एग्जाम कैसे करोगे, एग्जाम्पल कैसे लोगे, ठीक है ना। और चौथा कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नाउ जैसे इसमें एज्यूम किया था कॉन्स्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मैंने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिमिनिश होता है एज यू बिकम रिच, छोटे से पैसों की अहमियत तुम्हारे लिए कम रहता है, ठीक है ना। और लास्ट में सिंगल वांट, तुम्हारे भूख लगी है वही, तुम्हारा वांट हो गया तो डबल। अब एग्जाम्पल तुमको भूख लगी है, तुम रोटी सब्जी दाल भात के बाद आइसक्रीम भी खाओगे मिठाई भी खाओगे, तो मल्टीपल वांट्स हो गया, पर इसमें नहीं, इसमें एक ही वांट रहेगा, वांट बदलेगा नहीं, ठीक है ना। अच्छा तुमको खा के ट्रैवल करना है, ट्रैवल का तो संबंध ही नहीं आएगा इसमें, फिर तो दोनों के एग्जांपल सेपरेट लेने पड़ेंगे। और ट्रैवल करोगे तो मेजर कैसे करोगे, वन आफ्टर द अनदर चीज डिमिनिश कैसे हो, समझ में आ रहा है। तो ये इसके लिमिटेशन है। तो अभी इसका हम स्टोरी देख के लर्न करते हैं तो आराम से हो जाएगा, 5 के 5 लर्न। ये भी एक हमारे स्टूडेंट आयुष ने बताया था, फॉल्स प्रॉमिस, बढ़िया स्टोरी है, मजा आएगा सुनने। एक लड़की झूठे वादे करती है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन, ठीक है ना, उसका दिल तोड़ देती है और उसका ब्रेकअप कर देती है, उसको कार्डियक अरेस्ट आता है लड़के को, हाय ब्रेकअप कर दिया। सो एक लड़की झूठे वादे करती है, ब्रेकअप करती है, क्योंकि लड़के के पास इतना पैसा नहीं रहता है। अब लड़का इनडिविजिबल हो जाता है, अकेला पड़ जाता है, ठीक है। और फिर उसको वो मनी के पीछे भागता है, वो सोचता है इसने मेरे पास पैसा कम था इसलिए छोड़ा, तो अब मैं सिर्फ पैसा मैं कमाऊंगा, और उसका एक ही बॉन्ड रह जाता है कि पैसा कमाना। देखो कितना आसान है, एक लड़की झूठे वादे करती है अनरियलिस्टिक असम्पशन, और उस लड़के का दिल तोड़ देती है, उसको कार्डियक अरेस्ट आता है, ऐसा सोचो, ठीक है ना। फिर वो अकेला पड़ जाता है, डिविजिबल, ऐसा इनडिविजिबल सोचो। और फिर वो सोचता है मनी के पीछे, मनी की वजह से छोड़ा, अब मेरी एक ही इच्छा रही सिर्फ पैसे कमाऊंगा, और एक दिन उसको बताऊंगा तुमने गलत फैसला लिया था। तो इस प्रकार से ये है। आई होप ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।